बात सही है क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है स्तंभ लोकतंत्र के उसमें चौथा ये समाचार जगत पत्रकारिता उनका निश्चित रूप से हालांकि कई बार रिस्क भी लेते हैं आपके मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा जो खतरा मोल लेकर के भी और सूचनाएं प्राप्त करते हैं लेकिन सावधानी उनको भी रखनी चाहिए मेरा विशेष रूप से ध्यान रखते हैं क्योंकि जान बचाना पहली बात ठीक है आप गुस्सा स्कूल लड़के भी कई बार करते हैं कि बता सकते हैं उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा का मैंने रख दी मैंने रख दी जो ही हमें ये सोचा पहले दिन से पोलिंग के दिन में जब भी यह घटना जो हमें सूचना मिली इस बार और हमने आपसे चर्चा भी करी उत्तम अधिकारियों को जो कुछ भी निर्देशित करना था मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल किया गया ये बात बिल्कुल सही है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कोई भी हो जैसा भी हो ये सीखा पता करवाया है और इस समय अपने तरीके से हम प्राप्त कर रहे हैं सही स्थिति सामने आ गया है सही स्थिति सरकार और हमारी दोनों की सूचना एक जैसा अभी तक हमें सूचना मिली है सरकारी स्तर पर भी वही सूचना है और हमारे संगठन स्तर पर भी इसी प्रकार की सूचना है वैसे कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वातावरण खराब करने का उनको भी गिरफ्तार किया और भी यदि इसमें कहीं आपके कैमरे में भी आएगा उसको भी हम आपसे भी चाहेंगे साझा करें और कहीं भी कोई ऐसी बात को भी कहा जहाँ तक चुनाव की बात है हम सातों पर जीत रहे हैं हमें अच्छा संकेत मिला है सभी स्थानों पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ मैं सोचता हूँ कि सकारात्मक है हालांकि परसेंटेज थोड़ा पिछली बार से कम हुआ है परसेंटेज बढ़ना चाहिए था मतदान के प्रति हमने भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें जागृति पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम जितना कर पाए फिर भी संतोष थे मैंने तो उनको गलत वो सरकार पर यदि फेलियर कहे अब विपक्ष है विपक्ष के वो वरिष्ठ नेता भी है हम वो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई है अपना काम किया है और मैंने कभी भी गहलोत साहब को गलत नहीं कहा क्या उन पर कोई किसी भी प्रकार हाँ ये जरूर है मैंने आज एक अखबार में पढ़ा था गहलोत साहब कह रहे थे कि वो ये जवाबदारी उनकी बनती है मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था मेरे कभी भी चर्चा नहीं हुई मेरी लेकिन समाचार पत्र में ये आया था कि गहलोत साहब ने ये स्वीकारा है कि ये नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार था उनकी पार्टी का सदस्य था तो ये कहियो तो उनका माना गया ये तो हमारे बीच की प्रक्रिया है साधारण सदस्य संपन्नता की ओर अब सक्रिय सदस्यता चल रही है अब गठन की प्रक्रिया शुरू होगी तो करने हम मंत्री के होंगे प्रदेश के होंगे जिसमें केवल कार्यशाला होती है आपको आपने क्या किया आगे क्या कर ये हम तो उन लोगों को भी हमारे परिवार में जोड़ना चाहते हैं।